सुनो सुनो गद्दार भेड़ियों, सुनो सुनो गद्दार भेड़ियों, तुमने जरूरत कैसे की माँ को गाली देने की, तुमने जरूरत कैसे की माँ को गाली देने की। और जिस दिन यादव रण युद्ध में श्री कृष्ण बनकर डोलेंगे, उस दिन तू क्या तेरा बाप भी जय यादव जय माधव बोलेंगे, जय यादव जय माधव बोलेंगे। नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र यादव एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हूँ। और जैसे कि आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मकराना का, तो उसने छतरपुर पुलिस प्रशासन को एक तरह से धमकी दी है और उनसे कहा है कि हमारे रणपूतों को छोड़ दो, जो भी कहा हो इस तरह से कहा। तो उसमें एक विचार आता है, सभी को सोचने का एक विचार आता है कि जब करणी सेना उनके सपोर्ट में आ चुकी है, एक तरह से खुलकर मैदान में आ चुकी है कि उन्हें छोड़ा जाए, जिन्हें पकड़ा है 200 लोगों को, और इस तरह से हमारे देश में एक संगठन, बहुत बड़ा संगठन, और अपराधियों का साथ देता है। सोचने की बात है। देखा जाए मध्य प्रदेश के छतरपुर में जो गाली कांड हुआ था, उसमें करणी सेना के राजपूतों ने अहीरों को मां की गालियां दी थी, जिसके बाद यादवों ने बड़े जोर तोड़ से आंदोलन किए और हर थाने में अपने क्षेत्र के ज्ञापन सौंपे। मैं बहुत खुश हूँ, आज मैंने बहुत से वीडियो देखे और बहुत से वीडियो में यादवों की एकता देखी। मुझे देखने के बाद पता चला कि हाँ, अब यादव कुछ हैं, यादवों की पावर कुछ है। इसे देखने के बाद मुझे लगता है अब मकरेंद्र राणा क्या देश की कोई भी ताकत में रोक नहीं सकती हमारे आंदोलन करने से और उन कायरों को सजा दिलाने से। अगर कायरों को सजा नहीं मिलती है तो हम यादव भी जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं उसी तरह से लगातार आंदोलन करते रहेंगे और मध्य प्रदेश में ऐसा भूचाल ला देंगे कि कभी भी कोई भी राजपूत या कोई भी पूत हो, यादव को गाली देने से पहले 10 बार सोचेगा। और मकरेंद्र राणा से कहना चाहेंगे, क्या नाम है उसका, राणा, मकरेंद्र राणा, जो भी हो, धमकियों से नहीं डरते। हम अहीर के बालक हैं और श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम यदु के नंद हैं। मत भिड़ो अहीरों से, मिट्टी में मिल जाओगे, औकात तुम्हारी क्या है सालों, कभी सामने नहीं आ पाओगे। अगर वीर हो तो सामने आओ, वरना कायर कहलाओगे। और साहस छुप कर दिखाते हो, सामने आकर दिखाओ तुम। यादव समाज के सभी संगठनों से कहना चाहेंगे, एकता दिखाएं, साहस दिखाएं और सामने आए। छतरपुर में आंदोलन जारी है, टीकमगढ़ में 28 तारीख को भव्य आंदोलन किया जा रहा है, और आंदोलन में सभी लोग सहयोग करें, सभी लोग आएं, मिलकर रहें और अपने आंदोलन को एक शांतिपूर्वक ढंग से निपटाएं। और अगर जरूरत पड़ती है मकरेंद्र राणा जैसे लोगों को उनका सामना करने की, तो भी हम यादवों को पीछे नहीं हटना है। हमारा भी आंदोलन तभी होगा जब उनका आंदोलन होगा या फिर उनका आंदोलन रोका जाए। सरकार से अपील है, जल्द से जल्द मुद्दे का निराकरण करें और निराकरण करने के बाद उन गाली देने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा दें और अपने अहीर भाइयों से कहना चाहेंगे, कभी पीछे मत हटना इन गद्दारों के सामने। तुम्हारा इतिहास बहुत पुराना इतिहास है, ये इतिहास चोरी का इन्हें सबसे बड़ा धंधा बना लिया है राजपूतों ने, कहा जाए तो करणी सेना के सेवकों ने, इन्होंने सबसे बड़ा धंधा बना लिया है इतिहास चुराने का। यादवों को बोलते यदुवंशी नहीं हैं, अपने आप को यदुवंशी कहने की घोषणा करते हैं, बोलते हैं। मुझे तो हंसी आती है ऐसे लोगों पर कि साले ये निकले हमसे हैं और अपने आप को यदुवंशी बोलने लगे, क्या औकात है इनकी, मुट्ठी भर नहीं है हमारे सामने।
फिर भी भौंकते हैं, अच्छी बात है, भारतीय हैं भौंको, लेकिन अहीरों से मत भिड़ो, क्योंकि वो ताकत है जिसने महाभारत युद्ध जैसे बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं और संपूर्ण विश्व पर एक छत्र राज किया है, याद करो। और तुम जैसी गुलामी नहीं की मुगलों की, कि मुगलों को अपनी बहन बेटियां देकर उनका सम्मान किया और भारत पर आज राजा महाराजा बने घूमते हो कि हम वो थे और ये थे। ये सिर्फ तुम्हारे सिर्फ तुम्हारी गुलामी की देन है, ये सिर्फ तुम्हारी गुलामी की देन है। और रेजिमेंट नहीं बना, इसका सिर्फ सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमने कभी किसी की गुलामी नहीं की, हमने आत्मनिर्भर होकर युद्ध लड़े और अंग्रेजों का विरोध किया, मुगलों का विरोध किया, इसीलिए हमें सम्मान नहीं मिला। और सरकार से अपील करना चाहेंगे कि 18 नवंबर से जल्द अहीर रेजिमेंट का निर्माण करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करना। ये वीडियो मकराना के पास पहुंचना चाहिए, रणपूतों के पास पहुंचना चाहिए, उन्हें याद दिलाया जाए कि हम यादव क्या हैं, उन्हें याद दिलाया जाए कि हम यादव क्या हैं। वीडियो शेयर जरूर करना। धन्यवाद साथियों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।